राग खमोज पर आधारित धुन ताल कहरवा, बहुत ही सुंदर। मान लीजिए आप राग खमोज पर कोई गीत भजन गजल इत्यादि गा रहे हैं तो ये म्यूजिक फ्रेज बीच में बजाए जा सकते हैं। राग खमाज भी ठाट खमाज पर आधारित राग है। इसमें स्वर देखें, यानी आरोह अवरोह। सा ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, यानी आरोह में ऋषभ जो होता है तो सीधे सा से गा पे। सा ग म प ध नि सा, नि शुद्ध लिया है आरोह में, अवरोह में सा नी द प कोमल नहीं लिया, सा नी द प म ग रे सा। इन अवरोह में सातों स्वर प्रयोग हैं, आरोह में छह स्वर प्रयोग हैं, जिसमें ऋषभ वाच्य है आरोह में। और दूसरी बात, आरोह में शुद्ध नी, अवरोह में कोमल नी। सा ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। इस प्रकार से अब मैंने जो धुन बजाया है वो कैसे था, बस इसी चलन को मद्देनजर रखते हुए मैंने बनाया है। अब जिस प्रकार से राग का चलन है उसी हिसाब से मैंने धुन को बजाया है, सरगम बना करके। छोटे छोटे सरगम मैंने लिए, जैसे पहला सरगम ले लिया सा ग म प ध म ग, ये सरगम ले लिया। सा ग म प ध म ग, ध पे एक मात्र रुक गया, ध म ग प म ग रे सा नि ध सा। ये सब इसके स्वर संगतियां हैं। तो पहली स्वर संगति सा ग म प ध म ग प म ग रे सा, सा पे एक मात्रा ठहर गया। उसके बाद नि ध सा कॉमन नहीं ले लिया लोअर ऑक्टेव का, नि ध सा नि ध सा पे फिर तीन मात्रा रुक गया। तो पहले तो मैंने ये बजाया, ये पहला स्वर संगति हुई। दूसरी ग म प ध नि सा, इस हिसाब से चलन है ग म प ध नि सा ग रे सा नि सा ग रे सा ग म प ध नि सा ग रे सा ग रे सा ग। दूसरा प्रयोग ग म प ध नि सा ग रे सा, यहां सा पे तीन मात्रा ठहराव दिया है। ग म प ध नि सा ग रे सा, सा पे तीन मात्रा ठहराव दिया। तो इस फ्रेज को दो बार बजाया है। ग म प ध नि सा ग रे सा, सा पे तीन मात्रा ठहरना है यहाँ पे। ग ग म प ध नि सा ग रे सा, इस फ्रेज को दो बार बजाया है। और थर्ड टाइम सा ग म ग रे सा नि द प म ग रे सा, सा ग म ग रे सा नि द प म ग रे सा। इस हिसाब से तीनों फ्रेज बन गए। तो पहला फ्रेज सा ग म प ध म ग प म ग रे सा नि ध सा, दो बार बजाया इसको। दूसरा ग म प ध नि सा
गरे सा, सा पे तीन मात्रा रुका, फिर दो बार बजाना इस फ्रेज को दूसरे गी स ग रे स, थर्ड फ्रेज में स ग म ग रे स रे स नी द प म ग रे स। तीनों फ्रेज जोड़ के बताता हूँ, से आपको बजाना है, बहुत ही शानदार धुन है। कहीं पर गीतों बजनों के बीच में कहीं पर भी आप बजा सकते हैं।